अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों, का क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे। तो जल्दी सी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग पे खड़ी करते हैं तो ज़ाहिर बात है सारी खुल जाती है। मैंने भी गाड़ी तैयार करवाई, वो सारी खुली, तो जिन मसाइल का मुझे सामना करना पड़ा वो मैं आपको बताऊँगा। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रीशियन का काम कितना होता है और उस पर ख़र्चा कितना आता है और उधर मसाइल क्या क्या आपको सामना करना पड़ता है। देखें, गाड़ी जब आप चला रहे होते हैं आपका जहन बनता है कि इसकी डेंटिंग पेंटिंग करवाएं, वो सारा सामान खुल जाता है, वायरिंग चल रही होती है, सारे कटआउट वगैरह लाइट के, फ़ैन के, स्टार्टिंग के, करंट के, वो मतलब सारे उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर के जो भी उसमें होते हैं ना, वो गाड़ी चल जो रही है तो उसमें मौजूद हैं, ठीक है, वो चीज़ें उसमें पहले मौजूद होती हैं। लेकिन जब गाड़ी मुकम्मल तैयार हो जाती है, आप इलेक्ट्रीशियन के पास जाते हैं कि इसकी थोड़ी ना सेटिंग कर दें, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो डैशबोर्ड वगैरह निकल जाता है, स्विच वगैरह निकले होते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं कि जी ये चीज़ ख़राब होगी, फ़लाना कटआउट ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हालाँकि कुछ भी नहीं होता, ऐसे पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप ये ऐसा किया करें कि या तो आप ना ग्रिप ही लगे होते हैं, कटआउट खोल लें, ठीक है ना, अगर नहीं खोलना तो वो जिधर भी हैं उनके ऊपर शापर वगैरह, वो उसको ना लपेट के अच्छी तरह वो उसको अपना टेपिंग वगैरह कर लें कि वो उधर ना सेफ़ रहें। मैंने तो ऐसे ही किया था, टेपिंग वगैरह कर ली थी और जब इलेक्ट्रीशियन आया उसे मैंने दिखाया कि वो कितना जी, वो कह रहा था जी 5000-6000, और मैंने कहा भाई ये वायरिंग बिल्कुल ठीक है, आपने इसको कुछ भी नहीं करना, हर चीज़ अपनी जगह पड़ी है, आपने सिर्फ डैशबोर्ड को कस के आपने सिर्फ स्विच वगैरह के साथ वो कनेक्ट करना और तो कोई इशू नहीं है। नहीं जी ये वो, फिर एक आम सा बंदा ले गया, उसने 1000 रुपया लिया सिर्फ कसने का। ऐसे ऐसे मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, 5-6 हज़ार ऐसे ही बना लेते हैं। अभी किस चीज़ का 5-6 हज़ार, ठीक है ना, कुछ नई चीज़ डाली ना कुछ, जस्ट चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी होती हैं, आपने सिर्फ उसके कनेक्शन देने होते हैं, कनेक्शन भी लगे होते हैं। तो वो इस चीज़ का ख्याल रखा करें जब डेंटिंग पेंटिंग कराएं, क्योंकि पहले हम ख्याल नहीं करते और बाय द एंड जब लास्ट पे जाते हैं तो वो एक एक रुपया काउंट होता है, ठीक है ना, तो वो कहते हैं कुछ नहीं कर लेंगे, जब करने का टाइम आता है डेंटिंग पेंटिंग करा के वैसे बंदे की बात हुई होती है तो वो एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो इस चीज़ की एहतियात किया करें जब भी काम शाम करवाएँ, इस चीज़ का ख्याल रखें और ये मिस्त्रियों की चलाकियों से बचें। मैंने चाह के चलें, मुझे ये फेस करना पड़ा, दोस्तों के साथ शेयर करूं। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, और दुआ में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप दोस्तों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।